हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम जो अलग अलग टर्म्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो वर्ड यूज़ होते हैं, उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पे डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी जिसको आप कहते हैं, अब ये होता क्या है? तो सिंपल वर्ड में यदि आप डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कंट्री की जो बाउंड्री है, कंट्री के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मतलब किसी एक कंट्री की जहाँ तक आप ये कहते हैं एरिया है, उस एरिया के अंदर का जो भी पार्ट होगा वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो यदि हम उसका डेफिनेशन या हम उसका एक निकालें, तरीका, कॉन्सेप्ट निकालें, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? एक तरीके से पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो आप पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और फिर डोमेस्टिक इनकम से आप क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि विद इन कंट्री आपका कितना जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है, और जब कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर से जो आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर टोटल जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, उन एक्सचेंजेस को आप जब कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम आप निकालने के लिए, डोमेस्टिक टेरिटरी यूज़ करते हो। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? अब सिटीजनशिप आपने सुना होगा कि फलाना पर्सन यहाँ का सिटीजन है, वहाँ का सिटीजन है, या फिर इस कंट्री का सिटीजन है। तो दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं जैसा आप देख रहे होंगे, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। जब आप सिटीजनशिप की बात करते हो, तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट मतलब जब आप जहाँ जिस जिस कंट्री में भी आप बर्थ करते हो, बर्थ लेते हो, तो आप उस कंट्री के अपने आप ही क्या हो जाते हो? सिटीजन हो जाते हो। या कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आप उस कंट्री में बर्थ ही ले रहे हो, कई कंट्रीज आपको अलाउ भी करती हैं दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप लेने के लिए। मगर जैसे इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब यदि आप भारत की सिटीजनशिप लेते हो, तो आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। जो आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है। बाय बर्थ आप जिस कंट्री में पैदा होते हो, आप उस कंट्री के क्या कहलाते हो? सिटीजन कहलाते हो। तो जैसे कोई पर्सन बॉर्न इंडिया में है, तो उसका ऑटोमेटिकली जो सिटीजनशिप होगी वो कहाँ की होगी? इंडिया की होगी। और यदि पर्सन आउटसाइड इंडिया से बॉर्न है, तो जो भी इंडिया के लॉस अलाउ करते हैं टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। बस ये है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब है यदि आप इंडिया की सिटीजनशिप लेंगे, तो आपको किसी दूसरी जो कंट्रीज होंगी उनकी सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड हमारा जो चीज़ आती है, टर्म आता है रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप क्या है? एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक का मतलब है रिलेटेड टू मनी, मतलब आप कहीं किसी कंट्री में रह रहे हो और आप उस कंट्री में रहते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अपनी लिव लाइवलीहुड जीने के लिए कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के साथ आप इस अर्निंग का एक तरीके से जो एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक तरीके से क्या बोलेंगे? रेसिडेंटशिप कहेंगे। मतलब क्या आप किसी कंट्री में रह रहे हो और उस कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, उसको आप बोलते हो रेसिडेंटशिप। तो इसका मतलब क्या है? सिटीजनशिप पूरा अलग कॉन्सेप्ट है और रेसिडेंट अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे आप बोलते हो कि भारत का कोई पर्सन भारत के बाहर का रेसिडेंट है, अमेरिका में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, मगर वो सिटीजन कहाँ का रहेगा? भारत का, क्योंकि उसकी जो बर्थ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? भारत में। मगर रेसिडेंट वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो रेसिडेंट जो शिप है वो एक तरीके से आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। यदि किसी कंट्री में कोई पर्सन एक साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है, तो वो उस कंट्री का क्या होगा? रेसिडेंट होगा। चलिए अब हम अगला डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? तो जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, तो हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? फर्म्स को, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। अब ये जो फर्म होते हैं, इनका यूज करते हुए लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्राइजेस का, रिटर्न में क्या देते हैं इनको? फैक्टर इनकम देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक तरीके से आप जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो या प्रोडक्शन प्रोसेस पे जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उससे जो आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है, उसको आप कहते हो फैक्टर इनकम। तो ये दिया हुआ है आपको, जैसे फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग, लिखा है क्या? इट इज़ रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। क्या क्या? अभी हमने जैसा डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। और फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट, क्या दिया हुआ? फॉर कंट्रीज इंक्लूडेड इन नेशनल। ये इसलिए हमें ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करते हो, तो जो एक पर्सन है उसकी जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में काउंट होती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट, है ना? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या एक प्राइमरी इनपुट देता है, विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे क्या, हम जब इसको
क्लासिफाई करते हैं फैक्टर जो ऑफ प्रोडक्शन है इनको, तो चार कैटेगरी में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। तो लैंड के लिए आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के लिए आपको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। कैपिटल के लिए आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप आप या एंटरप्रेन्योर जो आप देते हो, इसके लिए आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अगला टर्म है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है किसी ने किसी पर्सन को कोई इनकम ट्रांसफर करी। बस यहाँ पे रिलेशन फैक्टर और ट्रांसफर का ये है कि फैक्टर इनकम में आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो और ट्रांसफर इनकम में आप कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। तो जब आप कोई भी तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करोगे और उसके बाद भी आप कोई चीज़ें रिसीव कर रहे होगे या पे कर रहे होगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। और ये जनरली यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट होता है। यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइडेड, मतलब कि जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स फॉरेन में रह रहे हैं और वो हर महीने या हर साल कुछ पैसा हमें भेजते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। या सरकार है, सरकार जैसे पेंशन दे रही है, या आप एक तरीके से आपके घर वाले जो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, स्कूल्स में हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, ये सारी एक तरीके से क्या है? आपकी ट्रांसफर इनकम है ना। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी से भी रिसीव्ड करी जा सकती है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब फॉरेन में भी पे करते हैं और फॉरेन से हमें भी रिसीव्ड होती है। तो ये जो ट्रांसफर इनकम से इसको हम यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, वन साइडेड ट्रांसफर लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल इसका ओल्ड एज पेंशन है आपका, है ना, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब बेरोजगारी भत्ता। इसके अलावा पॉकेट मनी और एटसेट्रा। और जो टैक्सेस होता है रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, और आर द ट्रांसफर इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द, मतलब कि सरकार जो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो सरकार एक तरीके से कोई सरकार का ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि हमारे लिए किसी तरीके का काम करे। इन जनरल वो करती है, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं करती। तो इस तरीके से वो उसकी कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। मगर वही जब सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है जो पर्सन होते हैं, सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, तो वो सब्सिडीज भी एक तरीके से सरकार की क्या है? गवर्नमेंट की क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। चलिए अगला टर्म है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप डायरेक्टली या तो कंज्यूम करते हैं आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब आप फर्दर उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप कोई और गुड्स का एक तरीके से प्रोडक्शन कर सकें। तो जैसे हम जो घर पे आइटम या जो गुड्स होते हैं वो लेके आते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, वो हमारे होते हैं एक तरीके से फाइनल गुड्स, है ना, कंज्यूमर हाउसहोल्ड जो यूज़ करते हैं। और जब फर्म किसी तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कोई एक मशीन लाई गुड्स बनाने के लिए, तो वो एक तरीके से उसके लिए फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि अब इसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं, मतलब उसका जो फाइनल यूज़ होगा वो क्या होगा? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है एक तरीके से मिडल, मतलब मिड में। तो मिड मतलब क्या कि आप किसी एक प्रोसेस में मिड में जो गुड्स आपके तैयार हो रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया? रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। मगर इसमें सेम ईयर याद रखना आपको कि एक ही साल में आप क्या कर रहे हो, या तो उसको रीसेल कर दे रहे हो, बेच दे रहे हो, क्योंकि आप उसको फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहे इसलिए वो फाइनल गुड्स नहीं, आप प्रॉफिट मोटिव के लिए उसको खरीद रहे हो और बेच रहे हो, या उसमें कोई वैल्यू ऐड करके या फर्दर प्रोडक्शन करके। जैसे एक ब्रेड वाला है, ब्रेड क्या करेगा? यदि वो आटा खरीदता है चक्की वाले से और ब्रेड बनाता है, तो वो जो आटा ब्रेड वाला खरीदेगा वो आपका कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। मगर वही आटा हम अपने घर के लिए खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स। तो उनका जो यूज है गुड्स का, वो डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज अ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो जैसे इसमें दिया हुआ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड क्या क्या? गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल, मतलब जो डेयरी शॉप्स वाले खरीदते हैं, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे वो मिल्क का यूज करते हैं स्वीट्स बनाने के लिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट पॉइंट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या कि दे आर जनरली परचेस्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट और फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, है ना। क्योंकि सिंपल है, कोई एक जब आउटपुट देगा तभी दूसरे का किसी का इनपुट होगा। तो जब एक फर्म प्रोड्यूस कर देती है उसको, तो दूसरा फर्म क्या उसको इनपुट के तौर पे यूज करता है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करता है और उस वैल्यू ऐड करके फिर उसको क्या कर देता है? आगे बढ़ा देता है। तो और इनकी जो डिमांड होती है ये होती है डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड का मतलब होता है डिमांड विच डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ अदर फैक्टर्स एक तरीके से। तो यदि आप बात करें कि फाइनल गुड्स की जो डिमांड होगी उस पर डिमांड डिपेंड करेगी इंटरमीडिएट गुड्स की। जैसे बाय चांस आपकी जो ब्रेड है या जो टोस्ट है उसकी डिमांड कम हो जाए, तो ब्रेड और टोस्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो जो बेकर्स होंगे उनके लिए आटे की डिमांड कम हो जाएगी। मिठाइयों की डिमांड अगर कम हो जाए तो दो मिल्क शॉप वाले उनके लिए मिल्क की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी।
दे आर कॉल्ड डेराइव डिमांड विच आर ड्रिवन बाय सम अदर फैक्टर्स। इसके अलावा हम देखते हैं जब टाइप्स की बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, है ना, तो ड्यूरेबल गुड्स मतलब विच रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। विच रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है तो परचेज बाय द गवर्नमेंट, जैसे ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स एटसेट्रा परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पज आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट फॉर मार्केट। मतलब यदि आप भी किसी तरीके की या सरकार जिस तरीके से कोई व्हीकल्स को यूज कर रही है फॉर सर्विस, तो जब वो सर्विस पर्पस के लिए उसको यूज कर रही है, डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज कर रही है, तो वो एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स है, वो फाइनल गुड्स नहीं, क्योंकि वो उसको फाइनली ना ही सोल्ड कर रही है ना ही बेच रही है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रक या व्हीकल परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन सर्विसेज इज कंसिडर्ड एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। अगला टर्म देखते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना काहे के लिए, जब आप गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, तो जब प्रोडक्शन बाउंड्री एक वेरी सिग्निफिकेंट है ताकि आप गुड्स को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें फाइनल या इंटरमीडिएट है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, एक लाइन होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो एज लॉन्ग जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, मतलब वो जब तक फाइनली तैयार नहीं होता वो तब तक क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। मगर जब वो फाइनली प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाता है तो वो आपके लिए कौन सा गुड्स हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। मतलब सिंपल है, यदि कोई एक प्रोडक्ट है और वो अलग अलग प्रोसेस से फैक्ट्री के अंदर ही, और फैक्ट्री के अंदर जब तक वो फाइनल तरीके से बन नहीं जाता और फैक्ट्री के बाहर नहीं आता, तो वो उसकी एक प्रोडक्शन बाउंड्री है, तब तक वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स और जो कैपिटल गुड्स हैं ये आर क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन है हमारे काय के, फाइनल गुड्स के। तो जब आप फाइनल गुड्स की हमने बात करी तो दे आर आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो जब आप इनकी कैटेगराइज करते हो तो एक आता है कंजम्पशन गुड्स, तो जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर या कंज्यूमर की जो डिमांड डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे वो आपके कंजम्पशन गुड्स होंगे। तो कंजम्पशन गुड्स हमारे फर्दर क्लासिफाइड यदि आप करते हैं तो चार टाइप के आपके कंजम्पशन गुड्स हो रहे हैं। पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब आपने सुना ही होगा, ड्यूरासेल। ड्यूरासेल का मतलब क्या है, जो लंबा चल रहा है। तो लंबा चलने का मतलब ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबल का मतलब है जैसे जो सालों साल तक आप उसका गुड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने टीवी खरीदी, रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो आप हर साल नहीं खरीद रहे, एक बार ही खरीद रहे हैं, 10 साल 12 साल आपके साथ वो रेफ्रिजरेटर या वो जो फ्रिज है वो चल रहा है। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल हमारे डेली यूसेज के जो सामान है, या फिर आप बोलते हैं क्लॉथ्स है आपके, या आपकी क्रॉकरी है, शूज़ है, तो जो डेली यूज आइटम है आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल ऐसे चलते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सेमी ड्यूरेबल। तो इनकी जो लाइफ होती है जनरली एक लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है, इसलिए इसको सेमी ड्यूरेबल कहते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जो कि लंबे समय तक नहीं चले, एक बार ही आपने उसको यूज़ किया और वो गुड्स क्या हो जाता है, या तो ख़राब हो जाता है या तो फिर यूज़ के लायक नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप गुड्स को यूज़ कर रहे हैं तो गुड्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करा, उसका एक सिंगल कंजम्पशन में या सिंगल एक्ट में वो गुड्स की जो वैल्यू थी या जो गुड्स का यूज़ था, वो पर्पस जो था वो पूरा हो गया, तो उसको आप कह रहे हो क्या, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप ब्रेड ला रहे हो, फूड ग्रेन्स ला रहे हो, या किसी भी तरीके की चीज़ ला रहे हो जो कि आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, लंबे समय तक आपके साथ नहीं। जैसे आपने सब्जी वेजिटेबल्स लेके आए तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा उसका जो लाइफ है वो नहीं है। इसके अलावा फोर्थ जो है वो सर्विसेज होती है। सर्विसेज का मतलब होता है कि एक तरीके से जो भी ह्यूमन की जो वांट्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर, तो ह्यूमन इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ह्यूमन वांट है जो उसको सेटिस्फाई कर। दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज़। इंटेंजिबल का आपको मतलब पता होगा, इंटेंजिबल विच आर नाइदर सीन और टच, जिसको आप ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। तो एक तरीके से सर्विसेज आप प्रोवाइड करने का मतलब है आप 1-to-1, या फिर एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक तरीके से आपको कोई कॉमोडिटी नहीं दे रहा या गुड्स नहीं दे रहा, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना, तो डॉक्टर आपको क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है, तो वो एक सर्विस हो गई। बैंक जा रहे हो, बैंक आपको क्या कर रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटी दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे कंजम्पशन गुड्स के चार टाइप हो गए, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। चलिए अगला टर्म है हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स, वो फाइनल गुड्स होते हैं जो कि काई के लिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, विच आर गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो सम पॉइंट्स क्या है कैपिटल गुड्स के लिए, आप सबसे पहले देखें, दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर द फर्दर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ, है ना, टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, मतलब उनकी कुछ साल तक की लाइफ हो। जैसे आपने एक मशीन खरीदी, उससे कोई गुड्स बना रहे हो, मगर वो गुड्स क्या करेंगे, लंबे समय तक नहीं, 5 साल 4 साल 6 साल तक आप उस मशीन का यूज़ कर सकते हैं।
इसको टाइम टू टाइम क्या होगी, रिपेयर की, और ये समय समय से क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो लूज होती जाएगी जैसे जैसे आप इसको प्रोडक्शन पर्पज़ में यूज़ करोगे। और इसकी भी जो डिमांड होती है वो डेराइव डिमांड होती है। क्यों डेराइव डिमांड होती है, क्योंकि जब तक आपके फाइनल गुड्स की डिमांड नहीं होगी तब तक उस गुड्स की मशीन की डिमांड भी नहीं होगी। तो दे हैव डेराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डेराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प इन टू प्रोड्यूस। मतलब जैसे आप बोलो आज अगरबत्ती की डिमांड है, तो अगरबत्ती की जो मशीनें होंगी उनकी डिमांड आएगी, है ना। आपने बोला कप डिस्पोजल वगैरह की डिमांड है, या फिर आप बोल रहे हैं पेपर डिस्पोजल की डिमांड है, तो उसकी मशीन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो कोई भी जो फाइनल गुड्स होता है उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है काई की कैपिटल गुड्स की डिमांड, कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है क्या, कि सारे ही जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्योंकि इसमें दो तरीके के गुड्स हैं आपके। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल मतलब विच आर यूज्ड वंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कोयला हो गया, वुड हो गया, ये सब एक ही बारी। तो दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कैपिटल गुड्स नहीं है क्योंकि आप इसको रिपीटेडली यूज नहीं कर रहे। दूसरा कैपिटल गुड होगा, कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स्ड है जो है, जैसे प्लांट मशीनरी हो गई जिसको आप रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि इज ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एक्सप्लेन, है ना, या फिर आपको बोलेगा कि आप इसको बताएं या इसको एक रीजन दे के समझाएं कि हाँ ये ट्रू है कि फॉल्स है।